व्हाट इज द IMEI नंबर। आज मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे IMEI नंबर क्या होता है, IMEI नंबर का क्या काम होता है, IMEI नंबर क्या काम करता है, IMEI नंबर के क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द करंट पॉइंट एंड यू वॉचिंग करंट पॉइंट CP, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि IMEI नंबर क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या, द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, राइट। मोबाइल फोन उपकरण में पहचान हेतु एक उपकरण पहचान संख्या होती है जो अन्य किसी भी उपकरण से भिन्न होती है, राइट। GSA, CDMA और IDIN तथा कुछ सैटेलाइट फोन में भी ये संख्याएं मिलती है। यह संख्या 15 अंक की होती है, आई थिंक 15 डिजिट की होती है। कभी कभार 16 या 17 अंक की भी हो सकती है, जिसमें मोबाइल फोन उपकरण के मॉडल, उसके बनने की जगह और मोबाइल डिवाइस के सीरियल नंबर के बारे में भी लिखा होता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग बिना IMEI नंबर के ही मोबाइल फोन प्रयोग करते आ रहे हैं। 30 नवंबर 2009 की रात से बिना या फर्जी IMEI नंबर वाले मोबाइल फोन बंद कर दिए गए। अब जानते हैं EMI नंबर क्या काम करता है। किसी भी फोन का IMEI नंबर उस फोन की वर्तमान स्थिति या लोकेशन को बताता है, अर्थात इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति किस जगह पर खड़ा है, राइट। किसी व्यक्ति का फोन गुम हो गया है, चोरी हो गई है, तो उस फोन का पता भी उस फोन की बैटरी के नीचे लिखे गए IMEI नंबर के माध्यम से लगाया जा सकता है। यदि किसी को अपने मोबाइल फोन का IMEI नंबर नहीं पता है तो उसे अपने फोन में *06# डायल करना होता है। उसके बाद आपके फोन की IMEI नंबर पता चल जाती है। अब जानते हैं IMEI नंबर के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो IMEI नंबर का सबसे ज़्यादा फायदा अपराधियों को पकड़ने में की जाती है। सेकेंड, किसी का फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी IMEI नंबर की सहायता से उस चोर को पकड़ा जा सकता है। तो ये था IMEI नंबर का प्रॉफिट, इसके बारे में डिटेल में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना हो। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है रक्षाबंधन क्या है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। और इसके पहले भी मैंने टाइम कैप्सूल क्या है इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो भी अगर वीडियो आप देखना चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।